ये तस्वीर बाराबंकी की है, जहां घाघरा की कहर बरपाती लहरें बांध को रेत के टीले की तरह बहा ले जा रही हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। घाघरा पर बने एल्गिन चरसरी बांध का पहला हिस्सा तो पहले ही करीब 100 मीटर से ज्यादा टूट चुका है। अब घाघरा की तेज लहरों ने दूसरे हिस्से को भी तोड़ दिया है। बांध के इस हिस्से के टूटने से 100 से भी ज्यादा गांवों में पानी भरना शुरू हो गया है। इन गांवों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। घाघरा के किनारे बसे तराई के दर्जनों गाँव पानी में डूबे हैं। यहाँ से घाघरा नदी 1 किलोमीटर दूर बहा करती थी, लेकिन अब ये 2 कदम दूर आकर सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। घाघरा नदी में ड्रेजिंग करके उसकी मूल धारा को 20 से लेकर के जाया जाए, जिससे गोंडा और बाराबंकी दोनों जनपदों को बाढ़ की त्रासदी से बचाया जा सके, वह काफी सफल रहा।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी बात को सुना और घाघरा में एक बड़ा चैनल उन्होंने खुलवाया। उस चैनल के खुदने से हमारे क्षेत्र की जनता को मांझा तराई के जो तटवर्ती गांव हैं नदी के किनारे, वो कटान से बच गए। इसके लिए मैं जितनी भी उनकी प्रशंसा करना चाहूँ वो कम है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को, सिंचाई मंत्री माननीय धर्मपाल जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि ये चैनल इतना कामयाब हुआ कि गांव के दोनों तरफ नदी का कटान रुका और जिस मात्रा में बाढ़ आती थी उस मात्रा में बाढ़ में कमी भी आई। इसके लिए मैं पुनः बार बार उनको बधाई देता हूँ।